हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिली ट्रिजल्स। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हिक्स के डिजिटल थर्मामीटर का, जो कि एक बीपर के साथ आता है। सो ऐसी है इसकी पैकेजिंग। हिक्स एक जाना माना ब्रांड है थर्मामीटर्स के लिए, और जो भी मेडिकल एसेंशियल्स होते हैं, ऐसे किट्स होते हैं, उसके लिए एक अच्छा ब्रांड है हिक्स। और ये थर्मामीटर एक डिजिटल थर्मामीटर है, जो कि आपको एक बीपर के साथ मिलता है। यानी कि जैसे ही आपका टेम्परेचर ये मेज़र कर लेगा, तो ये एक बीप बजेगा। इसके की फीचर्स में है कि ये मेमोरी है और बीपर दोनों के साथ आता है, यानी कि ये काफ़ी टाइम तक आपके ये थर्मामीटर जो है वो आपके टेम्परेचर को स्टोर करता है। ये एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों के लिए है, सेफ़ है, क्लिनिकली टेस्टेड है, एक्यूरेट है, ओरल, रेक्टल और अंडर आर्म यूज़ के लिए सेफ़ है, और ऑटोमेटिकली ये शट ऑफ भी हो जाता है। एक बार अगर आपने यूज़ कर लिया तो ये अपने आप थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। इसका जो प्राइस है, ये MRP 270 रुपीज़ है, बट अगर आप इसको लोकल स्टोर्स या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे तो आपको ये कंपेरेटिवली काफ़ी ऑफर्स के साथ मिलते हैं, तो ये थोड़े कम दाम में भी आपको मिल जाएंगे। सो आपको ये 150-170 के अराउंड भी मिल जाएगा अगर आप लोकल स्टोर्स से भी खरीदेंगे तो। तो ये पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल सब कुछ दे रखी है, और ये कुछ इस तरह के क्वांटिटी में आता है। अब इसे हम अनपैक करते हैं। अंदर आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, जिसमें आप अच्छे से इसके सारे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे बैटरी कैप है, कैसे क्या है, कैसे यूज़ करना है, कौन सा टेम्परेचर सही है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे अच्छे से। तो आप डेफिनेटली इसे अच्छे से पढ़ ले यूज़ करने से पहले। साथ ही आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल रहा है, प्लास्टिक का कंटेनर है, जिसमें अच्छे से थर्मामीटर को सेफली रखा गया है। बहुत ज़रूरी है कि आप थर्मामीटर को इसी तरह से स्टोर करें। ये प्लास्टिक का कंटेनर है, तो कैरी करने में भी काफ़ी आसान है, टूटेगा नहीं आसानी से। और ये है अंदर का लुक। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, MT101M है, और बैच नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये मॉडल नंबर देख सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है ये बैटरी कैप है, ठीक है, ये जो कलर्ड वाला एरिया है, यहाँ पे आप बैटरी फिल कर सकते हैं इससे, जब आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो बटन है, इससे ये स्टार्ट होता है। तो मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाती हूँ। ओके, सो हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, टेम्परेचर आ जाएगा अपने आप। और जैसे ये इसमें LO लिख कर आता है, यानी कि आप रेडी हैं अपने मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इसको प्रेस करूँ, तो मेरे बॉडी के टेम्परेचर, मतलब मेरे हैंड के टेम्परेचर को ये मेज़र करेगा। और ऐसी इसकी कुछ बीप की आवाज़ है, जब ये कम्प्लीटली मेज़र कर लेगा तो इस तरह से ये बीप से आपको अच्छे से बता देगा कि टेम्परेचर अब मेज़र हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा फ़ारेनहाइट में। आप चाहें तो इसको क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं, या फिर ये कुछ देर बाद अपने आप बंद भी हो जाएगा। मैं इसे क्लिक कर दूँ तो ये बंद हो गया। थोड़ी देर में ये अगर आप ऐसे छोड़ भी दें तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। सो ये थे ओवरऑल अनपैकेजिंग ऑफ हिक्स थर्मामीटर। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, ब्रांड भी अच्छा है, और बैटरी भी इसकी लंबी चलती है। सो रिफिल करने के लिए आपको यहाँ से बैटरी हटानी होगी। ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, यहाँ पे बैटरी का कैप है। अगर आप इसको इस तरह से खोलेंगे
तो आप देख सकते हैं ये गोल वाली जो बैटरी है, ये बैटरी यूज़ हुई है इसमें, और ये बैटरी आपको ख़रीदनी पड़ेगी बाहर से अगर आप रिफ़िल करेंगे तो। वैसे ये बैटरी काफ़ी लंबी टाइम तक चल जाती है, बहुत ज़्यादा रिफ़िल करने की बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये गोल वाली बैटरी है और ये बहुत आराम से रिफ़िल हो जाएगी। सो ये थे मेरे ओवरऑल रिव्यूज़ और तरीका कि कैसे इसे यूज़ करते हैं, अनपैकेजिंग, प्राइस और सब कुछ। सो आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, यूज़ करने में भी काफ़ी आसान है और काफ़ी बैटरी लाइफ भी इसकी अच्छी है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।